जय बद्री विशाल। संपूर्ण विश्व में भारत जैसा कोई देश नहीं है और संपूर्ण भारत में बद्रीनाथ जैसा कोई पवित्र और रमणीय स्थान नहीं है, जहां पर हर समय हर घड़ी तिनके तिनके में श्री हरिनारायण विराजमान रहते हैं। श्री बद्रीनाथ धाम दुनिया का एकमात्र ऐसा धाम है जहां प्राणी को मोक्ष मिल जाता है और यहीं से एक रास्ता स्वर्गारोहणी को भी जाता है, जहां से प्राणी सशरीर स्वर्ग जा सकता है। यह यात्रा प्राणी की सर्वश्रेष्ठ यात्रा मानी जाती है। स्वर्गारोहणी यानी कि स्वर्ग जाने का मार्ग, यहीं से धर्मराज युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग गए थे। यहीं पर धर्मराज को लेने स्वर्ग से पुष्पक विमान आया था। स्वर्गारोहणी से पहले आता है एक और दिव्य तीर्थ, सतोपंथ सरोवर। कहा जाता है कि इस सरोवर में स्नान करने मात्र से मनुष्य वैकुंठवासी हो जाता है। मान्यता है कि इस सरोवर में एकादशी के दिन स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्नानादि करके यहां तपस्या करते हैं। भक्तों, आइए अब हम आपको वसुधारा, लक्ष्मी वन, सहस्रधारा, चक्रतीर्थ, सतोपंथ, स्वर्गारोहणी व बद्रीनाथ के अन्य परम पावन तीर्थों की यात्रा एवं दर्शन करवाते हैं, जो कि केवल साहसी एवं धर्मपरायण मनुष्य ही कर सकता है। जिस प्रकार से स्वर्गारोहणी सशरीर स्वर्ग जाने का द्वार है, ठीक उसी प्रकार से हरिद्वार देवभूमि उत्तराखंड में जाने का प्रथम द्वार है। इसलिए इस यात्रा में हरिद्वार के महत्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। हरिद्वार स्थित, हर की पैड़ी स्थित स्नान घाट में भक्तजन पतित पावनी मां गंगा में डुबकी लगाते हैं और मां गंगा श्रद्धालुओं के सभी पापों को हर लेती है। मां गंगा की यह शीतल जल धारा मन को आनंदित कर देती है। श्रद्धालु यहां अपने तन और मन दोनों को शुद्ध करते हैं। यहां पितरों को तर्पण भी दिया जाता है। यहां पर 12 वर्षों बाद महाकुंभ होता है। संध्या में होने वाली मां गंगा की आरती का दर्शन करके श्रद्धालु गदगद हो जाता है। यह आरती हर रोज सायं ठीक 7 बजे प्रारंभ होती है। हरिद्वार से हम ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग होते हुए पहुंचते हैं श्री बद्रीनाथ धाम में। भारत की चार दिशाओं में चार धाम विद्यमान हैं, जिनमें से सर्वश्रेष्ठ धाम है श्री बद्रीनाथ धाम। श्री बद्रीनाथ धाम का उल्लेख शास्त्रों एवं पुराणों में भू बैकुंठ के नाम से आता है। ये धाम अनादिकाल से इस पृथ्वी लोक पर विद्यमान है। यहां पर स्वयं नारायण हर पल विद्यमान रहते हैं और जहां स्वयं नारायण का निवास हो तो उसे बैकुंठ कहते हैं।
यहां निवास करने वाला प्रत्येक प्राणी विष्णु का रूप होता है, क्योंकि कोई भी अधर्मी, अज्ञानी, लोभी, दुराचारी प्राणी वैकुंठ में निवास नहीं कर सकता। पापी से पापी मनुष्य के पाप भी श्री बद्रीनाथ आकर धुल जाते हैं। यात्री श्री बद्रीनाथ धाम में पहुंचकर सर्वप्रथम अपने तीर्थ पुरोहितों से मिलते हैं और फिर अपने रहने की व्यवस्था करते हैं। अगले दिन सुबह उठकर यात्री सबसे पहले तप्त कुंड के गर्म जल में स्नान करते हैं और अपने तन के साथ अपने मन को भी साफ करते हैं। सारे पाप धुल जाते हैं इस तप्त कुंड में स्नान करने मात्र से। ये तप्त कुंड पंच शिलाओं के बीच में स्थित है। यहां प्रकृति का अद्भुत करिश्मा स्वतः ही देखने को मिल जाता है। एक ओर इतना गर्म जल कि हाथ छुआ नहीं जाता, तो दूसरी ओर अलकनंदा का इतना ठंडा जल कि हाथ लगाया नहीं जाता। ये प्रभु की माया नहीं तो और क्या है। यात्री यहां स्नान करने के उपरांत अपने तीर्थ पुरोहितों से पूजन आदि करवाते हैं। यहां पर दान पुण्य करने से मनुष्य कभी पाप का भागी नहीं बनता है। तप्त कुंड के ऊपर गरुड़ शिला पर भगवान आदि केदारेश्वर का मंदिर है। इस मंदिर के दर्शन किए बिना किसी भी यात्री की यात्रा पूर्ण नहीं हो सकती है, क्योंकि यह क्षेत्र पहले भगवान भोलेनाथ का ही था। इसे केदारखंड कहा जाता है। आदि केदारेश्वर भगवान के दर्शनों के उपरांत यात्री अपनी यथाशक्ति के अनुसार प्रसाद की थाली लेकर मंदिर जाने की पंक्ति में अपनी बारी की प्रतीक्षा करता है। मंदिर के अंदर भगवान नारायण की शालिग्राम की सुंदर प्रतिमा स्थापित है। कहा जाता है कि ये प्रतिमा आदि गुरु शंकराचार्य ने यहां स्थापित करवाई थी। भगवान बद्रविशाल की पूजा अर्चना केवल केरल के नंबोदरी परिवार के ब्राह्मण ही कर सकते हैं। इनके अतिरिक्त भगवान के विग्रह को कोई छू भी नहीं सकता है। ये ब्राह्मण बाल ब्रह्मचारी होते हैं। इन्हें रावल जी कहते हैं और ये ही यहां के मुख्य पुजारी होते हैं। ये जब मंदिर में आते हैं तो इन्हें नहाना पड़ता है। नहाने के पश्चात मंदिर से वापस आने तक इन्हें कोई छू नहीं सकता है। भक्तों, आइए कुछ देर हम भी भगवान बद्रविशाल की आरती का रसपान करते हैं और भगवान की भक्ति में लीन होने की कोशिश करते हैं। पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम् निकट गंगा बहति निर्मशी बद्रीनाथ विशंबरम् श्री बद्रीनाथ विशंबरम् श्री बद्रीनाथ विशंबरम् सुमिरन करत निश दिन धरत ध्यान महेश्वरम शेष सुमिरन करत निश दिन धरत ध्यान महेश्वरम वेद ब्रह्मा करत स्तुति श्री बद्रीनाथ विश्वंबरम निकट गंगा बहति निर्मश्री बद्रीनाथ विशंबरम श्री बद्रीनाथ विशंबरम
भक्तो, आइए अब हम आपको विशाला नगरी के अन्य तीर्थों का दर्शन करवाते हैं, क्योंकि अधिकांश यात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के बाद अपने घरों को लौट जाते हैं। सबसे पहले हम आपको दर्शन करवाते हैं नीलकंठ के। समुद्र मंथन में निकाला हुआ विष जब भगवान भोले शंकर ने अपने कंठ में उतारा था, तब उनका कंठ नीला हो गया था। इस पर्वत पर बैठकर महादेव ने विष का कुंभ अपने कंठ में उतारा था। नीलकंठ के ठीक नीचे और बद्रीनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर दूर ऋषि गंगा के वाम पार्श्व भाग में स्थित है चरण पादुका। मान्यता है कि ये चरण पादुका भगवान बद्री विशाल और मधुदैत्य की है, और यहीं पर भगवान बद्री विशाल ने मधुदैत्य का संहार किया था। यहां से कुछ दूर चढ़ाई के पश्चात नीलकंठ की तलहटी में ये ब्रह्म कमल होते हैं। कहा जाता है कि सावन माह में भगवान भोलेनाथ को 100 फूल सोने के चढ़ाओ या फिर 1 ब्रह्म कमल चढ़ाओ, दोनों का बराबर पुण्य मिलता है। ये ब्रह्म कमल 13,000 फीट की ऊंचाई पर ही उगते हैं। चरण पादुका के नीचे आकर ऋषि गंगा के निकट बामणी गांव में एक शिला है जिसे लीला ढुंगी कहते हैं। यहां पर भगवान बद्री विशाल ने बालक बनकर लीला रची थी, और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का दिल जीतकर ये क्षेत्र उनसे तपस्या करने के लिए ले लिया था। ये नर पर्वत है, यहां पर नर ने तपस्या की थी, और ये नारायण पर्वत है, यहां पर नारायण ने तपस्या की थी। भगवान बद्री विशाल का मंदिर नारायण पर्वत पर स्थित है। बद्रीनाथ में नर और नारायण दोनों ने ही तप किया था। द्वापर में ये ही दोनों कृष्ण और अर्जुन बनकर आए थे। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन कृहने। ये है कूर्म धारा, यहां पर कूर्म ऋषि ने तपस्या की थी, और ये है प्रहलाद धारा, यहां पर भक्त प्रहलाद ने तप किया था, इसलिए इसका नाम प्रहलाद धारा पड़ गया। भक्तों, आइए अब हम आपको एक ऐसे दिव्य तीर्थ के दर्शन करवाते हैं जो मोक्षदाता है। इस तीर्थ का नाम है ब्रह्म कपाल। यहां पर यात्री अपने पितरों को पिंडदान एवं उनका तर्पण श्राद्ध आदि करते हैं, ग्रास बनाकर पितरों को भोजन कराते हैं। यहां पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष मिल जाता है। इस तीर्थ की कथा इस प्रकार से है कि जब भगवान भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया था, तब वह सिर भगवान शंकर के हाथ चिपक गया था। ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए भगवान शंकर ने पूरे पृथ्वी लोक का भ्रमण किया, लेकिन ब्रह्मा जी का सिर उनके हाथ में चिपका ही रहा। अंत में भगवान शिव बद्रीनाथ आए और अलकनंदा में ब्रह्मकुंड के पास ब्रह्म कपाल में ब्रह्मा जी का सिर भगवान भोलेनाथ के हाथ से छूट गया। तब शिव ने कहा कि ये दुनिया में वह स्थान है जहां प्राणी को मोक्ष मिल जाएगा, इसलिए बद्रीनाथ को मोक्ष धाम भी कहते हैं।
मन नारायण नारायण। ये है शेष नेत्र। यहाँ पर शेष जी की एक आंख के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। यूं लगता है मानो शेष जी यहाँ आने वाले प्रत्येक प्राणी को एक आंख से देख रहे हों। शेष नेत्र के दोनों ओर तालाब है। इन्हें शेष ताल के नाम से जाना जाता है। यह है भारत का अंतिम गांव माणा। पुराणों में इसे मणिभद्रपुर के नाम से जाना जाता है, जहां भोटिया जनजाति के लोग 6 माह निवास किया करते हैं। यहां उनके द्वारा बनाए हुए शॉल, कंबल, कालीन व पूजा आसन मिलते हैं। माणा में ही स्थित है व्यास गुफा। यहां पर बैठकर वेद व्यास जी ने श्री मद भागवत महापुराण की रचना की थी। व्यास पोथी आज भी यहां देखी जा सकती है। पास ही स्थित है गणेश गुफा, जहां पर बैठकर गणेश जी ने वेद व्यास जी के कहने पर श्री मद भागवत महापुराण को लिपिबद्ध किया था। बद्रीनाथ को श्री मद भागवत महापुराण की रचना स्थली भी कहा जाता है। व्यास गुफा के समीप ही दिखती है पवित्र नदी सरस्वती। सरस्वती नदी यहां दिखती है और फिर भूमिगत हो जाती है। कहा जाता है कि व्यास जी जब श्री मद भागवत महापुराण की रचना कर रहे थे, तब सरस्वती नदी के शोर से व्यवधान उत्पन्न हो रहा था। तब व्यास जी ने सरस्वती नदी को शराब देकर भूमिगत कर दिया था। सरस्वती नदी के ऊपर एक शिला है, जिसे भीमपुल कहा जाता है। कहा जाता है कि 5 पांडव जब स्वर्ग की ओर जा रहे थे, तो सरस्वती नदी के प्रवाह को देखकर द्रौपदी डर गई थी। तब भीम ने इस शिला को सरस्वती नदी के ऊपर रखा और द्रौपदी ने इस शिला के ऊपर चलकर इस नदी को पार किया था। भीमपुल से कुछ दूर चढ़ाई चढ़ने के उपरांत द्रौपदी मंदिर स्थित है। कहते हैं द्रौपदी स्वर्ग यात्रा में यहीं तक जा सकी थी। यहां पर द्रौपदी ने अपना शरीर त्याग दिया था। भक्तों, आइए अब हम आपको वह यात्रा करवाते हैं जो यात्रा अति दुर्लभ है। उस यात्रा का नाम है सतोपंथ स्वर्गारोहणी की यात्रा। श्री बद्रीनाथ धाम में हर वर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं, किंतु स्वर्गारोहणी यात्रा कुछ ही यात्री करते हैं जो साहसी और निडर होते हैं और जिन पर प्रभु की कृपा होती है, वे यात्री ही इस यात्रा को कर सकते हैं। सतोपंथ यानी सत्यपथ, सच्चाई का रास्ता ही सतोपंथ की यात्रा है। स्वर्गारोहणी पर्वत स्वर्ग जाने की सीढ़ी के रूप में दिखाई देता है। यहां हमारा उद्देश्य इस सीडी के माध्यम से आपको न केवल इस यात्रा को करवाना है, बल्कि इस यात्रा में आने वाली कठिनाइयों से भी हमें आपको अवगत करवाना है, ताकि हर वर्ष अधिक से अधिक यात्री इस यात्रा में शामिल होकर पुण्य के भागीदार बने। यंगस्टर्स इन जनरेशन में काफी जो दिख रहा है दुनिया, यही है हमारी दुनिया है, कभी भ्रम है। तो अब जो आप देखने जा रहे हैं जो दुनिया, वो टोटल डिफरेंट दुनिया, जहाँ पैसे की कीमत कोई नहीं, उसको जला के चाय के अलावा दूसरा कुछ नहीं बना सकते। जो अभी पैसा आप जो ले जाएंगे, तो उसको जला के चाय के अलावा दूसरा कोई यूटिलिटी नहीं हो सकती।
कोई मायने नहीं। तो ऐसे एक दुनिया अलग ही दुनिया है जो पैसे की कीमत ही है। तो वो दुनिया जो है आप अपने अभी तो आप दर्शन करके आएंगे और आपको एक ब्यूटी और है कि आपके दोस्त लोग और पूरी दुनिया को दिखाए कि ऐसा भी एक दुनिया है, ऐसे भी दुनिया में जाने की जरूरत है। इस यात्रा को शुरू करने से पहले यात्रियों को भगवान बद्रीनाथ के दर्शन अवश्य करने चाहिए। भगवान बद्री विशाल के आशीर्वाद के बिना ये यात्रा संभव नहीं हो सकती है। भगवान बद्री विशाल के दर्शनों से निवृत्त होकर हम अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं और चल पड़ते हैं स्वर्गारोहणी की अति दुर्लभ यात्रा पर। श्री नारायण का ध्वज लेकर और भगवान बद्री विशाल के जय घोष के साथ ये यात्रा शुरू होती है। प्रत्येक यात्री आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है। दर्शन करने बद्रीनाथ के जो भी यात्री आते हैं, हृदय कमल खिलता है उनका, हृदय कमल खिलता है उनका, मन की मुरादें पाते हैं दर्शन करने बद्रीनाथ के। ये यात्रा या तो जून के मध्य में या अगस्त माह में की जा सकती है, क्योंकि इसी समय मौसम ठीक रहता है। श्री बद्रीनाथ से सतोपंथ 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस यात्रा के लिए हमें मंदिर की बाईं ओर माना जाने वाले मार्ग पर चलना पड़ता है। मंदिर से 1 किलोमीटर चलने के बाद एक शिला पर नाग और नागिन का जोड़ा देखने को मिलता है। मान्यता है कि हजारों वर्ष पूर्व ये नाग और नागिन यहाँ आए थे और भगवान बद्री विशाल के रास्ते में खड़े हो गए थे। तब भगवान बद्री विशाल ने इन्हें पत्थर बना दिया था। तब से ये यहाँ जहरीला प्राणी पाया नहीं जाता। यहां से प्राकृतिक सौंदर्य शुरू हो जाता है। चारों ओर सुंदरता मानो बिखरी पड़ी हो, कहीं पर सूखी चट्टाने और कहीं पर हरी भरी धरती है ना। मन को आनंद से भर देने वाली प्रकृति। लक्ष्मी रमणा नारायण 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 हरि नारायण नारायण। बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर माता मूर्ति का मंदिर है। माता मूर्ति धर्म की पत्नी और भगवान बद्री विशाल की माता है। यहाँ वर्ष में एक बार मेला लगता है। इस दिन श्री उद्धव जी की उत्सव मूर्ति को डोली में बिठाकर माता मूर्ति के मंदिर में लाया जाता है। इसके बाद दोनों मूर्तियों को नहलाया जाता है। फिर इन्हें नए वस्त्र पहनाकर इनकी आरती उतारी जाती है। इस मेले में स्थानीय निवासी ही नहीं अपितु देश विदेश से सभी श्रद्धालु पहुंचते हैं। सतोपंथ जाने वाले यात्री यहां आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते हैं। नारायण 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 हरि नारायण
माता मूर्ति के मंदिर से कुछ कदम आगे चलने पर पगडंडी शुरू हो जाती है। पहाड़ के ऊपर पगडंडी और नीचे पवित्र अलकनंदा। पगडंडी इतनी छोटी है कि एक के पीछे एक लाइन बनाकर चलना पड़ता है। इस यात्रा में काजू, बादाम, किशमिश, बिस्किट, चने और कुछ जरूरी दवाइयां यात्रियों को हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए। अन्य सामान जैसे छोटा गैस सिलेंडर, स्टोव, टेंट, तिरपाल, मिट्टी का तेल, दाल, चावल, टॉर्च, मोमबत्ती, माचिस आदि जरूरी वस्तुएं भी ले जानी आवश्यक हैं। इस सामान के लिए पोर्टर यानी कि कुली की व्यवस्था भी करनी चाहिए। अनुभवी कुली जो पहले भी इस यात्रा पर गया हो तो उसी कुली को साथ ले जाना चाहिए, ताकि कुली ही आपका मार्गदर्शक यानी कि गाइड बन सके। प्राकृतिक सौंदर्य यहां चारों ओर बिखरा पड़ा है। स्वास्थ्यवर्धक हवाएं हर समय चलती रहती हैं। इतना आनंद है इस यात्रा में कि हमें पता ही नहीं चला कि कब आनंद वन आ गया। एक बड़ा सा मैदान और चारों ओर कई प्रकार के छोटे बड़े फूलों के पौधे, हल्की हल्की सुगंध व इन पौधों के बीच बनी पगडंडी से होकर गुजरना, भला कौन आनंदित नहीं होगा इसे देखकर। शायद इसीलिए इसका नाम आनंद वन पड़ गया है। गुण गावत नर पावन भगपा। आनंद वन से आगे कठिन मार्ग प्रारंभ हो जाता है। सृष्टि का करता वही रहता है। टूटे हुए पहाड़ पर कभी नीचे उतरना पड़ता है तो कभी ऊपर जाना पड़ता है। यहां पर रास्ता बहुत मुश्किल है, पर यह सब यात्रियों की श्रद्धा को डगमगा नहीं सकते। यात्री भगवान बद्रविशाल का जय घोष करते आगे बढ़ते रहते हैं। यहां डरने की कोई बात नहीं है। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 ओम नारायण नारायण नारायण। थोड़ी चढ़ाई चढ़ने के उपरांत एक सुंदर सा मैदान आ जाता है। यात्री यहां अपनी थकान मिटाने के लिए कुछ देर विश्राम करते हैं। इस मैदान के ठीक सामने ऊपर पहाड़ से एक जलधारा गिरती हुई दिखाई देती है। श्रीमन नारायण ना।
जिसका नाम है वसुधारा। इस धारा की बूंद बूंद में मधुरता दिखाई देती है। कहा जाता है कि लोगों के माथे पर इस जलधारा की एक बूंद भी नहीं गिरती है। ऋषि वसु की अपार तपस्या के कारण ये तीर्थ आज पूरे भारत में विख्यात है। यात्रा आगे बढ़ती है और पहुंचती है लक्ष्मी वन। लक्ष्मी वन बद्रीनाथ से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, बीच में खुला सा हरा भरा घास का मैदान, कितना मनोरम दृश्य लगता है। जहां एक ओर श्री बद्रीनाथ धाम में एक भी वृक्ष नहीं है, वहीं दूसरी ओर यहां लक्ष्मी वन में इतने विशाल और इतनी अधिक संख्या में भोजपत्र के ये वृक्ष कौतूहलता प्रदान करते हैं। हजारों वर्ष पूर्व ऋषि मुनि भोजपत्र के पेड़ों की छालों पर ग्रंथों एवं पुराणों को लिखा करते थे। कुछ समय पूर्व तक इन भोजपत्र पर जन्म कुंडलियां भी लिखी जाती थी। यहां पर लक्ष्मी जी ने तप किया था, इसलिए इसका नाम लक्ष्मी वन पड़ा। मां लक्ष्मी जी आप ही इस वन में निवास करती हैं। हमारा भी आज का रात्रि विश्राम यही होगा। 5 पांडव जब अपनी यात्रा पर जा रहे थे तो नकुल ने यही लक्ष्मी वन में अपने शरीर को त्याग दिया था। लक्ष्मी वन में आसपास छोटी छोटी 2-4 गुफाएं हैं। यात्री यहां टेंट लगाकर या फिर इन गुफाओं में रात गुजारते हैं। यहां का मौसम कभी भी खराब हो सकता है। शाम को तो अक्सर यहां बारिश होती है। सुबह जल्दी उठकर यात्री अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं और भगवान बद्रविशाल का जय घोष करके चल पड़ते हैं सतोपंत की यात्रा पर। परहित साहस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कभी पत्थरों के ऊपर पैदल चलना पड़ता है तो कभी ठंडे पानी के झरनों को पार करना पड़ता है। यहां आकर यात्री के कदम आगे ही बढ़ते रहते हैं, पीछे हटने का तो नाम ही नहीं लेते। चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य ही सौंदर्य है। ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्तों से यात्री नारायण का जाप करते हुए और प्रकृति को नमस्कार करते हुए चलते रहते हैं। गोविंद नारायण 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 सत्य
कुछ दूर चलने के बाद मार्ग दो घाटियों में विभाजित हो जाता है। एक मार्ग सतोपंथ की ओर जाता है तो दूसरा मार्ग अलकापुरी को चल पड़ता है, जहां से अलकनंदा का उद्गम स्थान माना जाता है। हमें सतोपंथ जाना है, इसलिए आइए चलते हैं सतोपंथ के मार्ग पर। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन कृहने मा, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। लक्ष्मी वन से 2 किलोमीटर की दूरी पर सामने एक दीवार रूपी पहाड़ दिखाई देता है, जहां से सैकड़ों झरने झरते हुए दिखाई देते हैं। इसे सहस्रधारा भी कहते हैं। इस दृश्य को देखकर यात्री अपनी थकान भूल जाता है और इन झरनों में भगवान की माया का दर्शन करने की चेष्टा करता है। इस प्रकार का अति दुर्लभ दृश्य देखकर यात्री का मन रोमांच से भर उठता है। भक्तों, 5 पांडवों की स्वर्ग यात्रा के दौरान सहदेव यहीं तक आ सके थे। यहां पर उन्होंने भी भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर का साथ छोड़ दिया था। सहस्त्रधारा को पार करने और कुछ दूर चलने के उपरांत एक तलवार नुमा पहाड़ी के ऊपर चलना पड़ता है। पहाड़ के दोनों ओर गहरी खाई नजर आती है। पैर फिसला ही नहीं कि राम नाम सत्य का प्रमाण मिल जाएगा। यहां से कुछ कदम आगे नीलकंठ के पीछे का भाग आता है। ये भाग श्री केदारनाथ के पीछे का भाग है। एक खुले से मैदान में लाल रंग के फूल और उनके चारों ओर पानी, कितना सुंदर प्रकृति का रूप है यह। यहां बैठकर भगवान की आराधना करने का मन करता है। कहते हैं कि घर पर 1,00,000 बार माला जाप करना और यहां पर 1 बार माला जाप करना बराबर है। यहां बैठकर सच्चा श्रद्धालु भगवान से
साक्षात्कार कर सकता है। होता वही है जो ईश्वर ने लिखा है, इसलिए श्रद्धालु प्रभु भक्ति में मग्न होकर चलते रहते हैं। सहस्रधारा से 3.5 किलोमीटर दूर है चक्रतीर्थ, एक बहुत बड़ा गोलाकार मैदान। हिमालय की ऊंची वादियों में यह सोचने को मजबूर कर देता है कि वास्तव में यदि ईश्वर ने कहीं तप किया था तो वह जगह यही है। 5 पांडव जब स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो शेष बचे 3 भाइयों में वीर अर्जुन ने यहीं पर शरीर को छोड़ दिया था। इससे आगे केवल भीम और युधिष्ठिर ही जा सके थे। चक्रतीर्थ में कई गुफाएं हैं, अतः कुछ यात्री यहां रात्रि विश्राम करते हैं, किंतु कुछ यात्री आगे सतोपंथ तक जाते हैं। यात्री यहां बैठकर कुछ देर भगवान के भजन गाते हैं। रात्रि विश्राम के पश्चात अगले दिन सुबह यात्री अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। चारों ओर बर्फ से ढकी हुई चोटियां नैसर्गिक आनंद का बोध करवाती हैं। भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्री मन नारायण। चक्रतीर्थ से आगे का रास्ता अति कठिन है। यहां पहुंचकर यात्री को ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, इसलिए यात्री को अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना भी जरूरी है। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण। अब तो हम बादलों से भी ऊपर पहुंच गए। लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के पश्चात यहां से सतोपंथ टॉप और स्वर्गारोहणी का कुछ भाग दृष्टिगोचर होने लगता है। यहां तो रास्ता ही नहीं है, टूटे हुए हिमखंडों के ऊपर चलना पड़ता है। शाम सवेरे मिट जाएंगे सब दुख तेरे। छोटे बड़े पत्थरों पर संभल कर पैर रखना पड़ता है। मन मेरे मिट जाएंगे सब दुख तेरे सब दुख तेरे। यात्रियों को एक स्थान पर रुककर रास्ते का निशान देखना पड़ता है, जो कि पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर बनाया जाता है। यहां कई यात्री रास्ता भी भटक जाते हैं। चक्रतीर्थ से कुछ दूर पहुंचकर कुबेर का मुकुट दिखाई पड़ता है। मान्यता है कि रावण यहीं से कुबेर से पुष्पक विमान जीत कर ले गया था और कुबेर के भंडार भी यहीं पर है। यहीं पर बैठकर कुबेर ने
तिरुपति बालाजी को कर्ज दिया था। ये है अलकापुरी टॉप। अलकनंदा नदी इसी हिमखंड से निकलती है। पुराणों में उल्लेख आता है कि कलयुग में केवल भगवान का नाम ही एक ऐसा आधार होगा जो प्राणी को भवसागर से पार कर देगा। इसलिए भक्त लोग यहाँ भगवान के नाम पर सुमिरन करना नहीं भूलते। राम नाम ही सांचा जग में, जग है झूठा सपना, यात्रा आगे बढ़ती है और मुकाम बनाती है सतोपंथ में। सतोपंथ में सरोवर को देखकर यात्री सब कुछ भूल जाता है, विस्मृत हो जाता है। यूं लगता है मानो रोगी निरोग हो गया हो, निर्धन को अपार धन मिल गया हो, जैसे साधक सिद्ध हो गया हो और जैसे तपस्वी को भगवान के दर्शन हो गए हो। इतना सुंदर सरोवर, इतना स्वच्छ जल, इतना स्वास्थ्यवर्धक वातावरण देखकर यात्री का हृदय प्रभु भक्ति से ओतप्रोत हो जाता है। यहां आने के बाद प्राणी यहीं का होना चाहता है। वापस जाने की इच्छा उसके हृदय में जन्म ही नहीं लेती है। यहाँ के पक्षी भी इतने सात्विक स्वभाव के हैं कि यदि कोई यात्री गलती से इस सरोवर के जल में तिनका भी डाल देता है तो यह पक्षी उस तिनके को अपनी चोंच से उठाकर बाहर फेंक देते हैं। ऐसी मान्यता है कि एकादशी के दिन यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश आकर स्नान करते हैं और फिर तपस्या भी करते हैं। सतोपंथ में ध्यान आदि करने से अक्षय पुण्य का फल मिलता है। पांच पांडवों में से भीम सिर्फ सतोपंथ तक ही जा सका था। यहीं पर भीम ने अपने शरीर को त्याग दिया था। आज का रात्रि विश्राम सतोपंथ में ही होगा। सतोपंथ में रहने के लिए गुफाएं इत्यादि हैं। यात्री इन्हीं गुफाओं में रात्रि विश्राम करते हैं। दूसरे दिन हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं स्वर्गारोहणी की ओर। यहां से रास्ता अब और भी कठिन हो जाता है। यहां से आगे बहुत संभल कर चलना पड़ता है क्योंकि हिमखंड अक्सर यहां टूटा करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सतोपंथ से कुछ दूर चलने पर चंद्रकुंड आता है। इसका जल चंद्रमा की तरह घटता और बढ़ता रहता है। हम यहाँ पूर्णिमा के ठीक एक दिन पहले पहुंचे तो यह जल से भरा हुआ था। कल पूरा भर जाएगा। कहते हैं यहाँ पर चंद्रमा ने 88,000 वर्ष तक तप करके नक्षत्रों के राजा होने का वरदान प्राप्त किया था। ओ
स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् चंद्रकुंड से कुछ दूरी पर सूर्यकुंड आता है। यहाँ पर सूर्य भगवान ने तपस्या की थी। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सूर्यकुंड से कुछ दूर चलने पर हम पहुंचते हैं अपनी यात्रा के अंतिम मुकाम और दुनिया के एक दिव्य तीर्थ के ठीक नीचे, जिसका नाम है स्वर्गारोहणी। भजले प्यारे चंद घड़ी तू राम 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 राम। यहाँ पहुंचकर प्राणी धन्य हो जाता है। यह वही स्थान है जहां तक धर्मराज युधिष्ठिर और स्वांग के रूप में स्वयं धर्मराज गए थे। राम 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 राम। जब युधिष्ठिर को लेने स्वर्ग से पुष्पक विमान आया तो धर्मराज ने स्वांग के बिना स्वर्ग जाने से मना कर दिया। तब स्वांग अपनी असली धर्मराज के रूप में आए और युधिष्ठिर को ससम्मान स्वर्ग ले गए। जिस प्राणी की जैसी भावना होती है उसे प्रभु उसी रूप में दर्शन देते हैं। यहाँ हमें बर्फ से बनी हुई कुछ सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं और कुछ बादलों से ढकी हुई। कहते हैं यह कुल 7 सीढ़ियां हैं जहां से धर्मपरायण प्राणी सशरीर स्वर्ग जा सकता है। भक्तों, हमारी सतोपंथ स्वर्गारोहणी की यह भक्तिमय यात्रा यहीं समाप्त हो जाती है। जय बद्री विशाल।